पाठ 13 नाविक सिंधबाद। सिंधबाद को समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। वह कुछ ही दिन घर पर रहता और फिर अपनी नाव लेकर निकल जाता दूर दूर की यात्रा पर। उसकी एक विचित्र यात्रा का वर्णन आप भी पढ़कर देखें। मैं कई दिनों से घर पर ही था, कुछ अस्वस्थ भी था। पिछली यात्रा से मैं काफी धन कमाकर लौटा था, पर कुछ दिन में ही मुझ पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया। मैंने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। हमने परस्पर बातचीत कर यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। हमने व्यापार के लिए माल खरीदा, उसे जहाज पर लादा और यात्रा पर रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही मेरा मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ऐसा लगा कि समुद्र मुझे बुला रहा है। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही हम अपना माल वहां उतार देते, कुछ दिन में वह माल बेच वहां से नया माल खरीद लेते। एक बार हमारा जहाज बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा। दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि एक छोटा सा टापू दिखा। जहाज को वहीं रोक लिया गया। मैं अन्य नाविकों के साथ टापू पर चला गया। टापू पर चारों ओर फलों के वृक्ष थे। मेरे साथी फल इकट्ठे करने लगे और मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। सोकर उठा तो ना जहाज था, ना नाव और ना ही मेरे साथी। मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला था। क्या करूं, कुछ समझ ना पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। कुछ दूर एक सफेद सफेद गुंबद सा दिखा। मैं नीचे उतर उस दिशा की ओर बढ़ा। अरे यह क्या है, यह गुंबद जैसा क्या है? मैं आश्चर्यचकित उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास करने लगा। अचानक साए साए की आवाज आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशाल काय पक्षी मेरी ओर उड़ा चला आ रहा था। मैं भय के मारे उस गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। वह पक्षी भी उसी गोल गुंबद पर आ बैठा। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। तो गुंबद नहीं, यह इस पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे पेड़ की शाखाओं के समान थे। उसके सांस लेने से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे थे। वह हिलता तो मुझे लगता कोई छत गिरने वाली है। मैंने क्षण भर में ही कुछ सोच लिया। अब उतार मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी कि उस विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। मैं साथ साथ ही था। वह इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिखी नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुंच उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। मुझे चक्कर आने लगे। जैसे ही वह धरती पर उतरा मैंने पगड़ी खोल अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। उस विशाल काय पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि मैं एक गहरी घाटी में हूं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे थे। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ना थी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी मुझे फुफकार सी सुनाई दी। भय के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। घाटी में सांप ही सांप थे। पास ही एक गुफा देख मैं उसमें घुस गया। एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर मैं सोने की चेष्टा करने लगा।
पर मेरी आंखों में नींद कहां? सांपों की फुफकार और मृत्यु का भय दोनों मुझ पर हावी थे। प्रातः गुफा का मुंह खोला तो देखा सांप कहीं भी ना थे। थोड़ी देर बाद कुछ गिरा, घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन की सुनी एक कहानी स्मरण हो आई। लोग हीरों की घाटी में मांस के टुकड़े